कैमरा ठीक है, हेलो हेलो। माइक ठीक है, ओके। तो हाँ भैया आ गए आप, अब आ ही गए हो तो ये कहानी सुनकर जाओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाँ भैया कैसे हो, ठीक होने भी चाहिए क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है, आज ईद है, बकरा ईद है भाई। तो भांजो सीन क्या है, आज क्या है? आज ईद नहीं भाई, आज बकरा ईद है। आज बकरा ईद है ना? क्या है? बकरा ईद है भाई, बकरा ईद है। जनाब मुस्कुराइए, आप इंगारी में हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, ये सीन मस्त है, गुड। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लड़कियों, आई मीन मेरी प्यारी बहनों, आप भी मुस्कुराओ क्योंकि आप भी इंगारी में हो, तो मुस्कुराओ। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे अलाउद्दीन भाई की दुकान से, ठीक है? तो हम पहले वहाँ चलेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। तो सीन ये था कि बकरा ईद के एक दिन पहले हम पहुँचे कहाँ, अलाउद्दीन भाई की दुकान पर। वो तो थे नहीं, बट उनके छोटे भाई थे, उन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी और हमारे प्यारे से चेहरे पर उन्होंने अपना हथियार घुमा दिया और इस चेहरे को उन्होंने और भी प्यारा बना दिया। और ये सारा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जनाब अलाउद्दीन भाई आखिरी में पहुंचे और पता है क्या बोलते हैं, आप भी सुन लो उन्होंने क्या बोला, हम अभी आते हैं, ठीक है? दाढ़ी कटवा लिए, बाल नहीं कटवाए, रीज़न ये है कि मेरा भाई पबजी खेल रहा है। हाँ पबजी खेले थे इसीलिए बाल नहीं कटवाए, कटवाएंगे बाल अगली बार, अभी तो बड़े नहीं हो ना इसीलिए। अरे हमने आपको एक बात तो बताया ही नहीं, हमने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था कुछ गलत फहमी की वजह से, और हम परेशान हो गए थे कि आखिर में अपना ब्लॉग कैसे शूट करेंगे ये सपा चट वाला। फिर खुदा ना खास्ता हमें वहाँ मिल गए अरमान बाबू। अब ये अरमान बाबू कौन है आप खुद ही देख लो भाई, वो कौन है? ये फ़ोन इनका है, हमारा नहीं है, हमारा फ़ोन घर पे है, फ़ोन नहीं था, ये भी नहीं थे। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर अरमान बाबू अपना फ़ोन देने के लिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना, कहानी अभी बाकी है दोस्तों, अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ना कर। तो अब हम ईदगाह की तरह रुक किए हुए हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, और हमने एक अच्छे बच्चे की तरह नमाज भी अदा कर ली और कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात भी कर ली। जनाब मुस्कुराइए, आप कैमरे में हैं। अरे बर्फ गिर गया। मुस्कुराइए आप कैमरे में, यस। परवेज भाई घर चले गए अपने, बोला मुझे मेला नहीं घूमना, मुझे ब्लॉगिंग करना है। तो हमने दाढ़ी कटवा ली, नमाज अदा कर ली, दोस्तों से मुलाकात कर ली, और आपसे मुझे एक बात बोलनी थी यार, कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट सूनर और लेटर आई डोंट नो, बट जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब, नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी, कर लूँ तो फिर सही है, नहीं तो चले जाओ देख कर वीडियो, बाय। लड़को माहौल क्या है? बकरीद है। माहौल ये है कि अभी बकरीद चल रहा है। तुम फिर भूल गए। सीन ये देख सकते हैं, गाड़ी का लड़का ब्लॉगर जो ब्लॉग बनाते हुए ये भाई मेरा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड, अब नहीं पढ़ता हूँ।